जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सचिन। गाइस आज वीडियो हम जानने वाले हैं बीएड प्लस साउंड कार्ड के बारे में पूरी डिटेल, इसलिए गाइस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले गाइस देखिए, इसका जो साइज है बिल्कुल छोटा सा है गाइस, काफी बड़ा नहीं है, बिल्कुल एक हाथ में भी आप इसको कैरी कर सकते हो। इसके साथ ही गाइस यहाँ पर पावर ऑन दिया गया है, इसको हम ऑन करेंगे। अब गाइस देखिए, ये बिना किसी अडप्टर के चलता है। देखिए कोई भी अडप्टर इसके साथ कनेक्ट नहीं है गाइस, बिना अडप्टर के चलता है, क्योंकि इसमें एक बैटरी पड़ती है जिसको आप चार्ज कर सकते हो और कभी भी कहीं भी कैरी कर सकते हो। गाइस देखिए यहाँ पर पावर ऑन हो चुका है। अब गाइस इसके पीछे चलते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर दिया गया है डायनेमिक माइक, कंडीशनर माइक, हेडसेट, ईयरफोन, कंप्यूटर, चार्जिंग, म्यूजिक, लाइव वन, लाइव टू। अब गाइस देखिए डायनेमिक माइक हमारा क्या होता है। तो गाइस ये रहा हमारा डायनेमिक माइक। तो गाइज कुछ इस प्रकार का डायनेमिक माइक होता है, जिसमें जो गाइज रिकॉर्डिंग है वो ऊपर से होती है, यानी इसमें जो साउंड है ऊपर से रिकॉर्ड होता है और ये हमारा इसमें डायरेक्ट यहाँ से प्लग इन होता है। अब गाइज इसके बाद सेकंड पोर्ट है हमारा कंडीशनर माइक, जो कुछ इस प्रकार का होता है गाइज, जिसमें जो आपका वॉइस है गाइज सामने से रिकॉर्डिंग होता है, ऊपर से इसका साउंड नहीं आता, तो इसको हम कंडीशनर माइक बोलते हैं गाइज। मैक्सिमम स्टूडियो में आप इसका यूज करते हो। और इसका जो पोर्ट होता है गाइज आगे से कुछ इस प्रकार का होता है, 3.5 mm, जिसको आप डायरेक्ट यहां पर प्लग इन कर सकते हो। अगर गाइज आप इसको डायनेमिक माइक में यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक स्टीरियो पोर्ट मिलता है गाइज 6.5 mm का, जिसको आप यहां से प्लग इन करके सेम पोर्ट को आप यूज यहां भी कर सकते हो, अगर आपका ये वाला खराब हो जाता है तो। अब गाइज ये ही कन्वर्टर हमारा कीबोर्ड में भी यूज होता है, अगर हमने कीबोर्ड की कहीं भी रिकॉर्डिंग करनी हो तो। अब गाइज देखिए आगे चलते हैं, तो यहां पर लिखा है हेडसेट, तो सबसे पहले मैं इसको हटा के साइड करता हूं। अब गाइज हमारी बात आती है हेडसेट की। अब हेडसेट का जो ऑप्शन है गाइज कुछ इस प्रकार के होता है। तो गाइज इसमें जो होता है एक माइक अलग से दिया जाता है, जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और इसका भी यहाँ पर डायरेक्ट पोर्ट दिया गया है। अब गाइज इससे क्या होगा कि अगर आप इस पोर्ट में इसको यूज करते हो तो इसका जो माइक है गाइज पूरा वर्क करेगा इसके साथ। अगर आप इसी हेडसेट को गाइज ईयरफोन में प्लग करते हो तो इसका माइक काम नहीं करेगा, लेकिन आपका पूरा की पूरा जो ये वाला हेडफोन है गाइज पूरा की पूरा काम करेगा। इसके साथ ही गाइज यहाँ पर कंप्यूटर के लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर चार्जिंग दिया गया गाइज, तो आप इसको चार्ज करने के लिए भी एक वायर मिलती है, मैं इसको सबसे पहले साइड कर देता हूँ। तो गाइज चार्जिंग करने के लिए आपको एक वायर मिलती है, इसको आप चाहो तो अपने चार्जर से भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको अपने पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो। देखिए गाइज यहाँ पर ब्लिंक हो चुका है, जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो ये हो गया। तो गाइज इसको चार्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम आगे देखें गाइज, तो यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूजिक, लाइव टू और लाइव वन। तो गाइज म्यूजिक का जो काम है, अब गाइज इसका जो वायर है कुछ आगे से इस प्रकार से है। अब इसका काम क्या है गाइज, अगर आप फोन से कोई साउंड, जैसे मान लीजिए गाइज अगर आप कोई गाना रिकॉर्ड करना चाहते हो और आपके पास कोई कैराओके ट्रैक पड़ा हुआ है, तो गाइज इसके जरिए क्या होगा कि आप इसको फोन में प्लग इन करो, जो फोन का साउंड गाइज इसमें यहां से म्यूजिक होते हुए जाएगा और इसमें जाएगा, आप यहां पर माइक जोड़ोगे और यहां से आप रिकॉर्डिंग करो, तो गाइज आपका जो तीनों का तीनों वॉइस रिकॉर्ड होगा। अब गाइज किस प्रकार से होगा मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद गाइज यहां पर लाइव वन और टू, इसका मतलब है कि आप जो भी रिकॉर्ड करोगे गाइज वो आप वो दो चीजों में यूज कर सकते हो, यानी जैसे अगर मैंने इसको एक फोन के साथ कनेक्ट किया गाइज, तो आपका जो वॉइस है फोन में डायरेक्ट रिकॉर्ड होगा, और अगर आप दो फोन में इकट्ठा रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं गाइज, तो आप इसके जरिए दोनों को इकट्ठा रिकॉर्ड कर सकते हो। सेम जो तार है गाइज आप यहां भी कनेक्ट कर सकते हो, लाइव वन या लाइव टू, ये आपको ऑप्शन दिए गए कि आप एक ही टाइम में दो चीजों को रिकॉर्डिंग कर सकते हो दो फोनों में। अब गाइज देखिए इसका काम किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले गाइज चार्जिंग वाली जो वायर इसको हम साइड में करते हैं और फिलहाल लेते हैं गाइज म्यूजिक वाली। तो गाइज ये रही हमारी म्यूजिक की, देखिए म्यूजिक लिखा हुआ है, और ये रही हमारी लाइव वन और लाइव टू की एक वायर। अब गाइज किस प्रकार से होती है, अब जो लाइव वन टू की वायर है गाइज ये रिकॉर्डिंग के काम आएगी, जैसे मान लीजिए अगर आपने फोन में रिकॉर्डिंग करने हो गाइज, तो आप इसको फोन में लगाइए, अगर आपने कैमरा में या पीसी में रिकॉर्डिंग करना है तो गाइज आप इसको डायरेक्ट पीसी में यूज कर सकते हो। अब गाइज मैं इसी कैमरा के साथ जिसके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसी में इसको प्लग इन करने वाला हूं गाइज, देखिए लाइव इन वन है। तो गाइज इसको हम पहले मैं बाद में प्लग करूंगा, वरना आपको मेरा साउंड नहीं आएगा, क्योंकि साउंड फिर इसके जरिए जाएगा। तो सबसे पहले गाइज यहां पर हम माइक कनेक्ट करेंगे, तो माइक को यूज करने के लिए यहां पर देखिए डायनेमिक माइक हमने कनेक्ट किया। अब गाइज जो हमारा साउंड है माइक का यहां पर जा रहा है, हमें नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन गाइज इसमें जा रहा है। अब गाइज इसको हम एक बार साइड में करेंगे। इसके बाद गाइज जो माइक हमारा साउंड रिकॉर्ड कर रहा है उसको हम हेडफोन के जरिए गाइज, तो गाइज हम इसमें हेडफोन भी लगाएंगे ताकि हम अपना साउंड खुद भी सुन पाए। तो गाइज इसको हमने यहां पर प्लग इन कर लिया।
तो गाइस अभी जो माइक का साउंड है, हेलो हेलो हेलो, तो गाइस अभी मेरे जो माइक का साउंड है इस ईयरफोन के जरिए मुझे भी सुनाई दे रहा है। अब गाइस देखिए, अब तीसरी बात आती है कि म्यूजिक। अब गाइस अगर आप चाहो तो कीबोर्ड में इस वायर को लगा के कीबोर्ड की आवाज डायरेक्टली इसमें ले सकते हो। इस वक्त गाइस मैं कीबोर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, तो मैं अपना फोन के जरिए गाइस इसमें साउंड देने वाला हूं। तो गाइस ये रहा हमारा फोन, इसको हमने कनेक्ट किया यहां पर, और गाइस यहां पर हमारा म्यूजिक लगा है यूट्यूब पे। तो गाइस इसको हमने फिलहाल यहां पर आपके सामने रख दिया। अब गाइस देखिए इसको कनेक्ट कर लिया गाइस। इसके बाद अब गाइस जो हमारी लाइव वन या लाइव टू की जो वायर है, इसको मैं इसी कैमरा के साथ यहां पर कनेक्ट करता हूं गाइस। गाइस अभी मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूं, इसके बाद जो मेरा आप साउंड सुन पा रहे हैं वो इस माइक के बाद इस माइक के जरिए आएगा गाइस। अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो इसके जरिए आपको मेरा साउंड सुनाई देगा जो आप सुन पाएंगे। तो ये देखिए गाइस अभी कनेक्ट करने वाला हूं। तो गाइस अभी आप मेरा जो साउंड सुन रहे हैं वो हमारा माइक के जरिए आप तक पहुंच रहा है, और गाइस बिल्कुल क्लियर साउंड आ रहा है। अभी मैं इसमें म्यूजिक भी देने वाला हूँ गाइस। अगर आप इसको स्टीरियो जैक के जरिए गाइस कीबोर्ड में कनेक्ट करते हो तो आपका जो कीबोर्ड का साउंड है वो भी इसमें जाएगा। और अभी आप गाइस सुन पा रहे होंगे बिल्कुल रिवर्ब जो गाइस आती है वो आ रही है। इसको आप चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ पर गाइस पूरा इसका मॉनिटरिंग दिया गया है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस आप म्यूजिक एंजॉय करिए। तो गाइस अगर आप मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन रहे हो तो गाइस वो भी इसी के जरिए आ रहा है, और मेरा साउंड गाइस इस माइक के जरिए आ रहा है और बिल्कुल क्लियर आता है गाइस। किसी भी प्रकार का कोई भी नॉइस इसमें रिकॉर्ड नहीं होता। यही इस साउंड कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी नॉइस रिकॉर्ड नहीं होता और बिल्कुल क्लियर आवाज आती है। अब गाइस इसमें एक और फंक्शन दिया गया है डोज। अब गाइस इससे क्या होगा कि जैसे मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो जो म्यूजिक का साउंड है ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ऐसे गाइस अगर आप कीबोर्ड के बारे में कोई चीज़ बता रहे हो और उसमें कोई साउंड प्ले करके गाइस साथ साथ में आप बोलना भी चाहते हो तो इस प्रकार का ऑटोमेटिक ये सिस्टम काम करता है। देखिए जैसे मैं बोलना बंद करूँगा तो ये अपने आप जो हमारा साउंड है हाई हो जाएगा। और गाइस अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो म्यूजिक को। सो गाइस बहुत ही प्यारी आवाज आ रही है गाइस। हेडफोन के जरिए मुझे अच्छी आवाज सुनाई दे रही है, हो सकता है कि आपको भी वैसा ही सेम सुनाई दे रहा होगा। गाइस आप चाहो तो अपनी आवाज को भी यहाँ से पूरा की पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं गाइस यहाँ पर, और बहुत ही प्यारे लगते हैं जब आप इसको रिकॉर्डिंग करते हो गाइस। तो आप चाहो तो गाइस इस प्लग को अपने कीबोर्ड के साथ भी कनेक्ट करके गाइस पूरा की पूरा जो साउंड है रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर गाइस इसका अगला वीडियो जल्दी कीबोर्ड के बारे में आएगा गाइस, सेम कीबोर्ड से भी आप इसी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो और एक ही टाइम में दो फोन में गाइस इसको यूज कर सकते हो। और अभी आप हमारी आवाज़ गाइस लाइव लाइव वन के जरिए सुन रहे हैं, और माइक भी हमने लगाया हुआ है, चार्जिंग भी लगाया हुआ है गाइस। इस जगह से हमारा साउंड म्यूजिक आ रहा है, ये देखिए। और गाइस बिल्कुल क्लियर साउंड आता है। अगर गाइस फिलहाल हमने किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं दिया है, अगर आपको कोई आवाज में कुछ गड़बड़ लग रही हो गाइस तो अभी हमने इसका पूरा इतना सेटअप नहीं किया, मैं आपको पूरी पूरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाइव जब आप इसको पहली बार लोगे तो इस प्रकार का ये काम करेगा गाइस। और अभी इसके साथ काफ़ी सारे फंक्शन यूज होते हैं गाइस जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किए, जैसे यहाँ पर म्यूजिक मॉनिटरिंग का पूरा फंक्शन दिया गया है। आप इसको गाइस अभी मैं इसके बारे में पूरा जान नहीं पाया हूँ, जैसे मैं इसके बारे में पूरी डिटेल जानूंगा गाइस तो आपको भी जरूर बताऊंगा। और फिलहाल गाइस इसका जो म्यूजिक है मोबाइल के जरिए आ रहा है, मैं इसको जल्दी पीसी मतलब अपने कीबोर्ड के साथ भी दिखाऊंगा गाइस कि किस प्रकार से हम कीबोर्ड से इसका साउंड ले सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने जरूर दिखाया था, लेकिन गाइस किस प्रकार से हम अपना कीबोर्ड का साउंड भी मोनिटाइज मतलब
ऑटो ट्यून कर सकते हैं गाइस, तो जरूर इसके बारे में एक वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूँ। बाय बाय।